हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के बारे में समझेंगे। इससे पहले के लेक्चर जो आप यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हैं मेरी चैनल पे, जहां हमने एरिथमेटिक पाइपलाइन के बारे में समझा था। एरिथमेटिक पाइपलाइन क्या था? जब आपका डेटा स्ट्रीम को पाइपलाइनिंग कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते थे तो उसे एरिथमेटिक पाइपलाइनिंग बोला जाता था। अब की पोर्शन में हम आपके इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को पाइपलाइनिंग कंसेप्ट से समझेंगे, इसलिए उसे बोला जाएगा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। क्लियर? इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? आपकी काफ़ी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं जो जिसका एग्जीक्यूशन पैरेलल में हो सकता है। एज फॉर एन एग्जांपल, आपका कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फेज में है और वही दौरान आप कोई दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेचिंग प्रोसेस में ले लें, तो ये कंसेप्ट को आप बोलेंगे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। क्लियर? इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के 6 डिफरेंट फेजेज होते हैं, 6 डिफरेंट फेजेज आप देख सकते हो। 6 डिफरेंट फेजेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या होता है? फर्स्ट, दैट इज फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। जब कभी भी आपका प्रोग्राम लिखते हो तो वो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और वो पोर्शन एज एन ऑप कोड आपके मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके मेमोरी में से वो इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे। इंस्ट्रक्शन मीन्स वॉट? वो इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड फैच करेंगे। एज फॉर एन एग्जाम्पल, आपका इंस्ट्रक्शन एडिशन इंस्ट्रक्शन है तो आपने तो एडिशन का लॉजिक लिखा होगा हाई लेवल लैंग्वेज में, उसका असेंबली लेवल लैंग्वेज कन्वर्जन हुआ होगा, बट वो असेंबली लेवल लैंग्वेज के बाद उसका ऑप कोड स्टोर हुआ होगा मेमोरी लोकेशन पे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? वो मेमोरी लोकेशन से वो ऑप कोड का फैच करेंगे। मतलब पहला प्रोसेस हुआ, दैट इज फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। इज इट क्लियर? सेकेंड के डीकोड द इंस्ट्रक्शन। वहाँ से जो आपने ऑप कोड लिया है, आया वो ऑप कोड एडिशन का है, आया वो ऑप कोड सब्ट्रैक्शन का है, आया वो ऑप कोड लोड इंस्ट्रक्शन है, आया वो ऑप कोड स्टोर इंस्ट्रक्शन है, ये समझना पड़ेगा मुझे। इसीलिए सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड फेज क्या है, दैट इज डिकोड द इंस्ट्रक्शन। क्लियर? थर्ड स्टेप क्या है? कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस कब ज़रूरत पड़ती है? आप जान चुके हो, हमने आगे वाले लेक्चर्स में भी देखा था एड्रेसिंग मोड्स। एज फॉर एन एग्जाम्पल, आपका इमीजिएट मोड ऑफ एड्रेसिंग है तो आपको इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग है तो आपको इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लोकेशन दिया है वही आपका फाइनल लोकेशन बनेगा। बट एज फॉर एन एग्जाम्पल, आपका इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग है तो आपको इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग है तो आपको इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए थर्ड स्टेप क्या है? दैट इज कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। क्लियर? इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा? आपको एक परफेक्ट लोकेशन मिलेगा। वो लोकेशन पे जाएंगे तो आपको ऑपरेंड मिल सकता है वो लोकेशन का, मेमोरी के लोकेशन में। इसलिए फोर्थ स्टेप क्या बोलते हैं? फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी। इज इट क्लियर? जब आप इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव एड्रेस आपको कहाँ गाइड करेगा? जहाँ आपका ऑपरेंड है वो मेमोरी लोकेशन पे। इसलिए फोर्थ स्टेप क्या होता है? दैट इज फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी। जब ऑपरेंड को फेच कर चुके, अब आप क्या करेंगे? दैट इज एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। आपका इंस्ट्रक्शन कह रहा था फॉर एन एग्जाम्पल ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो या इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, बट किसे करना है? मेमोरी लोकेशन से कोई डेटा को एक्सेस करने के बाद करना है, तो वो फिफ्थ स्टेप में होगा, दैट इज एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। और आपका फाइनल बोल सकते हैं कि फिर से वो मेमोरी में स्टोर करने की बात करता हो या फिर से वो रजिस्टर में स्टोर करने की बात कर रहा हो। ये फाइनल स्टेप क्या है? दैट इज स्टोर द रिजल्ट इन द प्रॉपर प्लेस, एट द प्रॉपर प्लेस। इज इट क्लियर? 6 डिफरेंट फेजेस, फेच द इंस्ट्रक्शन, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट। इज इट क्लियर? फाइन। आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। 4 सेगमेंट मतलब क्या? यह आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सेगमेंट में क्यों कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज हमें पाइपलाइनिंग कंसेप्ट लेना है, इसलिए सेगमेंट तो करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कितने सेगमेंट यूज़ किए? 4 सेगमेंट। कौन कौन से 4 सेगमेंट है? आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने किया। फर्स्ट सेगमेंट क्या है? दैट इज फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। आपके जो 6 डिफरेंट फेजेस में थे उसमें पहला फेज, दैट इज फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, ये आपका क्या बनेगा? सेगमेंट 1 बनेगा। इज इट क्लियर? आपका सेगमेंट 2 क्या है यहाँ पर? डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। अब ये दोनों काम साथ में कर रहे हैं आपको। क्या? डिकोड द इंस्ट्रक्शन, आपने मेमोरी में से जो ऑप कोड लिया उसको डिकोड करो, वो क्या कहना चाहता है। एट द सेम टाइम आप उसका इफेक्टिव एड्रेस भी कर दो। मतलब वो 6 डिफरेंट फेजेस में थे
उसके स्टेप टू और स्टेप थ्री को कंबाइन करके कहाँ देने में आया, दैट इज सेगमेंट नंबर टू में। इज इट क्लियर? फाइन। उसके बाद क्या चेक करने में आता है, आया जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, आई मीन अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो डेट इज अपडेट प्रोग्राम काउंटर। अगर वो क्वेश्चन नहीं है ब्रांच कंडीशन तो क्या हो जाएगा, आपके पास मिलेगा डिस फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, और इसको सेगमेंट नंबर थ्री बोला गया है। सेगमेंट नंबर टू क्या था, डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, और क्या आया दैट इज फेच द ऑपरेंड, दैट इज सेगमेंट नंबर थ्री। ये आपके सिक्स डिफरेंट फेजेस का स्टेप नंबर फोर। इज इट क्लियर? फाइनल। फाइनल क्या बोलते हैं, दैट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, और क्या सेगमेंट फोर क्या करेगा, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब मेरे चार डिफरेंट सेगमेंट्स हुए, फर्स्ट फेच द इंस्ट्रक्शन, उसको आप एफ आई बोल सकते हैं, सेकेंड डिकोड द इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस जिसे आप डी ए से नॉमिनेट कर सकते हैं, और फिर आप बोलेंगे फेच द ऑपरेंड जिसे आप एफ आई के नाम से, एफ ओ के नाम से नॉमिनेट कर सकते हैं, और फाइनल डेट इज एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, आप उसे ई एक्स के नाम से नॉमिनेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। जी यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमिंग डायग्राम, इन्होंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या यूज़ किया, दैट इज स्टेप्स, आई मीन यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे और ये आपके स्टेप साइकल्स। इज इट क्लियर? आपके पहले स्टेप में क्या होगा, दैट इज फेच द इंस्ट्रक्शन, कौन सा वो इंस्ट्रक्शन फेच होगा, आपका पहला ही टास्क है उसका इंस्ट्रक्शन आपने फेच कर लिया। इज इट क्लियर? अब जब वो इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद सेकेंड सेगमेंट में जाएगा, सेकेंड सेगमेंट क्या था, जैसे मैं आपको याद दिला दूँ, सेकेंड सेगमेंट क्या है, डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। जब आप यहाँ जाएंगे दैट इज डिकोड द एड्रेस, डिकोड द एड्रेस और डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, तो यहाँ पर क्या होगा, वो किसका होगा, आपका टास्क वन का होगा, बट वही टाइम पे आप टास्क टू का फेच ऑफ द इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, बिकॉज हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पाइपलाइनिंग कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इसलिए आप देख सकते हो दैट इज एफ आई एंड डी ए दोनों आगे। अब जब आपका टास्क नंबर वन आपके सेगमेंट नंबर थ्री में जाएगा, सेगमेंट नंबर थ्री क्या होगा, फेच द ऑपरेंड, फेच द ऑपरेंड में जाएगा, तब वही टाइम पे आपका टास्क नंबर टू कहाँ पहुँचेगा, दैट इज डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, और आपका टास्क नंबर थ्री कहाँ जाएगा, फेच द इंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? और जब आप सेगमेंट नंबर फोर में जाएंगे तब आपका क्या होगा, एग्जीक्यूशन फेज होगा, किसका एग्जीक्यूशन फेज होगा, टास्क नंबर वन का, वही टाइम पे आपके टास्क नंबर टू कहाँ पहुँचेगा, आपका टास्क नंबर टू पहुँचेगा दैट इज फेच द ऑपरेंड। इज इट क्लियर? आपका टास्क नंबर थ्री कहाँ पहुँचेगा, दैट इज डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, और आपका टास्क नंबर फोर कहाँ आ चुका होगा, फेच द इंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? ये वैसा है जहाँ पे आपको बीच में ब्रांच कंडीशन नहीं आई, ये आपका नॉर्मल डायग्राम इस हिसाब से बनेगा। आप देख सकते हो चार अलग अलग सेगमेंट्स टास्क वन के, ये चार अलग अलग सेगमेंट टास्क टू के, ये चार अलग अलग सेगमेंट टास्क थ्री के, ये चार अलग अलग सेगमेंट टास्क फोर के, एंड सो ऑन। जी हाँ, बट आपको याद रखना, इन केस अगर बीच में ब्रांच कंडीशन आती है तो आपका फ्लो डेविएट होगा। आओ हम उस एग्जाम्पल से समझते हैं। जी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ किया है और हर टास्क को एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया। इज इट क्लियर? फाइन। और खास करके आप ये देख सकते हो यहाँ पे थ्री पे मेंशन की, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड, ये आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, आपको ये समझ के चलना है। एग्जाम्पल में आपका पहला इंस्ट्रक्शन होगा तब क्या होगा, पहला इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फेच द इंस्ट्रक्शन काम करेगा। इज इट क्लियर? वही टाइम जब सेकेंड स्टेप आएगा तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वही आपका इंस्ट्रक्शन काम हो जाएगा, डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, और वही मेन टाइप में आपका स्टेप नंबर टू क्या करेगा, फेच द इंस्ट्रक्शन। क्लियर? सिमिलरली ये थर्ड, जब आपका थर्ड स्टेप में जाएगा तो फेच द ऑपरेंड वो कौन करेगा, टास्क वन करेगा। टास्क वन जब फेच द ऑपरेंड करेगा तब टास्क टू क्या करेगा, डिकोड द इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, और टास्क थ्री क्या करेगा आपका, फेच द इंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? फाइन। अब आपका जब स्टेप नंबर फोर पे जाएंगे, आई मीन सेगमेंट नंबर फोर, तो आपका क्या करेगा, एग्जीक्यूशन होगा यहाँ पर, किसका, टास्क वन का, वही टाइम पे आपका फेच द ऑपरेंड टास्क टू का, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज
डिकोड द इंस्ट्रक्शन। जब मैं स्टेप नंबर थ्री आई मीन इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री के स्टेप नंबर फोर पे जाऊंगा, कब स्टेप फोर और इंस्ट्रक्शन थ्री, स्टेप फोर और इंस्ट्रक्शन थ्री, जब मैं यह डिकोड करूंगा और डिकोड करने पे मुझे ये पता चलेगा ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद आने वाले हर इंस्ट्रक्शन को होल्ड पे डाल देना पड़ेगा। बट आप देख सकते हो नीचे एफ आई तो आ चुका है, एफ आई कब आएगा, जब ये इंस्ट्रक्शन थ्री का स्टेप नंबर फोर के अंदर डिकोड प्रोसेस शुरू था उससे पहले ही ये फेच इंस्ट्रक्शन हो चुका था, इसलिए यहाँ पर ये फेच इंस्ट्रक्शन चलेगा। बट आप देख सकते हो यहाँ पर वैकेंट पोजीशन आई है, यहाँ पर वैकेंट पोजीशन आई है, इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शन आए तो इट माइट बी पॉसिबल वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन कैसा ब्रांच हो, दैट इज अनकंडीशनल ब्रांच हो जो आपको जंप करना ही पड़ेगा, इट माइट बी पॉसिबल वो कंडीशनल जंप हो, उसकी वजह से आपका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज होने वाली है, मतलब आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आपका कर्सर जो प्रोग्राम काउंटर वाले लोकेशन पे ले जाएगा वहाँ के इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करेंगे। एज फॉर एन एग्जाम्पल आपका प्रोग्राम जो है जंप इफ कैरी टू बिलो, जब आपका जंप इफ कैरी वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आप बिलो वाले लोकेशन पे, बिलो वाले लेबल पे जाएंगे और बिलो वाले लेबल पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, न कि आप जंप इफ कैरी के बाद वाले इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब जंप इफ कैरी के बाद वाले इंस्ट्रक्शन को कब कैलकुलेट करेंगे, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, बट अभी हम ये समझते हैं अगर उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या होगा, आपका कर्सर दूसरे प्रोग्राम काउंटर के लोकेशन पे चले जाएगा। इसीलिए जब ये इंस्ट्रक्शन थ्री अपना एग्जीक्यूशन फेज लास्ट ईएक्स कंप्लीट नहीं करता तब तक नीचे किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर फेच प्रोसेस शुरू नहीं होगा। आप देख सकते हो ये पूरे पोर्शन वैकेंट है, इसीलिए क्यों, बिकॉज आप अभी ब्रांच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, इज इट क्लियर। जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन फेज इंस्ट्रक्शन थ्री ब्रांच इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट होता है, आप देख सकते हो स्टेप नंबर स्टेप सेवन पे फेच दी इंस्ट्रक्शन आ गया। अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन फेच होगा, जो आपको कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद दूसरे लोकेशन पे ले जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिया दैट इज फेच द इंस्ट्रक्शन, डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन, वो तो प्रोसेस सेम टू सेम शुरू रहेगा। बट इन केस अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब आप क्या करेंगे, जो उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन उसे एग्जीक्यूट करें और उसका एफआई प्रोसेस हो चुका है, तो वो केस में आपको फिर से एफआई करने की जरूरत नहीं है, आप यही एफआई को फेच इंस्ट्रक्शन के बाद दैट इज डिकोड इंस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो। इज इट क्लियर, यहाँ पर कौन, इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, इज इट क्लियर। आई होप सो ये जो वैकेंट पोजिशन है ये क्यों है ये आपको पता चलेगा, इज इट क्लियर। आओ हम देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के कोई लिमिटेशन है जी, क्या प्रॉब्लम है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अंदर, तीन प्रॉब्लम, फर्स्ट दैट इज रिसोर्स हैज़र्ड, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ, एज फॉर एन एग्जाम्पल आप इंस्ट्रक्शन फेच करो, दैट इज कब आपका पहला स्टेप, वो कहाँ से फेच करेंगे आप इंस्ट्रक्शन, मेमोरी में से, और वही टाइम पे अगर आपका फेच ऑपरेंड भी हो रहा है, फेच ऑपरेंड कहाँ से होगा, वो भी मेमोरी में से, ये दोनों प्रोसेस आपको साथ में कर रहे हैं। ये दोनों प्रोसेस कब साथ में होंगे, आप देख सकते हो जब कभी भी आपका फेच इंस्ट्रक्शन भी हो और फेच ऑपरेंड भी हो, जैसे ये वाले प्रोसेस में आप देख सकते हो एफ आई भी एफ ओ भी, अब दोनों होगा था मेमोरी के अंदर, अगर ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन सेम स्पेस एक्सेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आपके पास रिसोर्स कॉमन है और अलग अलग दो डिफरेंट एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने, एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको ये डिफरेंशिएट करना है तो आपको एक कोड का कोड सेगमेंट अलग कर देना चाहिए, डेटा का डेटा सेगमेंट, क्यों, डेटा सेगमेंट में से आपको ऑपरेंड मिलेगा, कोड सेगमेंट में से आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, इज इट क्लियर। उसके बाद आता है डेटा डिपेंडेंसी, डेटा डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, आप अभी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो एग्जीक्यूशन करने के टाइम पे उसका जो वैल्यू है, एज फॉर एन एग्जाम्पल आप स्टेप नंबर टू में एग्जीक्यूट कर रहे हो कोई इंस्ट्रक्शन को और उसका आंसर आपको स्टेप नंबर वन के फाइनल एग्जीक्यूशन के बाद मिलने वाला था, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, एज फॉर एन एग्जाम्पल आपका यह एग्जीक्यूशन दैट इज ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वही टाइम पे आपका फैच ऑपरेंड भी हो रहा है, ऑपरेंड कौन सा फैच करना है, ये एग्जीक्यूशन के बाद होने वाला था, अभी तक आपको एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप ऑपरेंड को फैच करने की कोशिश कर रहे हो,
यही केस में क्या बोलेंगे, दैट इज डेटा डिपेंडेंसी। और ब्रांच डिफिकल्टीज, ब्रांच डिफिकल्टीज का मतलब ये हुआ, अगर आप ब्रांच ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, दिस कंडीशनल ब्रांच, अनकंडीशनल ब्रांच, तो प्रोग्राम काउंटर को चेंज करना है। प्रोग्राम काउंटर को जैसे ही चेंज करेंगे आपका काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इज इट क्लियर? हम नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों तीन टॉपिक को, दैट इज रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, डेटा डिपेंडेंसी एंड ब्रांच डिफिकल्टीज को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप सो यहाँ तक आपको इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन और उसके मेन कंसर्न प्रॉब्लम कहाँ का है वो आपको पता चल गया। इज इट क्लियर? फाइन, थैंक यू।